श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके अक्षर के लिए, आपके लेटर के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें खास रहेगी और ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, आने वाला साल आपके लिए, पहली बात जिसे आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए, आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर भी एक नया प्रयास होगा, एक नया आयाम होगा, और आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। विवाह होने की संभावनाएं, जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा, बहुत दिनों से रुके हुए हैं, उनके भी विवाह होने की संभावनाएं पूरी है। पॉजिटिविटी अपने मन में रखें, सकारात्मक आपको रहना है, मन में कोई भी गलत ख्याल ना आने दें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। तीसरी बात है, उलझना नहीं है किसी से भी, किसी भी विषय पर हमें उलझना नहीं, हमारे काम पर ध्यान देना है, हमें धन कमाना है और एक वस्तु स्थिति जो है उसे सही करने की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम दूसरी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि मेन जो हमारी चीज़ होती है उससे हम भटक जाते हैं। तो कोशिश ये ना करें, मेन काम पर फोकस करें और जो साइड अप की जो चीज़ें हैं वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी। कई बार हमें लोगों का जो तालमेल है वो हमें खटकता है, मतलब दोनों का विवाद है और उसमें परेशान हम होते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, उन स्थितियों से भी निपटने के लिए आप तैयार रहें और उनके लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए। और उसका क्या उपाय है, पहली बात तो किसी के विवाद में आप बेवजह फंसने की कोशिश ना करें, उसे सुलह और से बाहर निकलें, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपके साथ दिखाई देगी और ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसे सकारात्मक लें, नेगेटिव नहीं लेना है। एक और बात है, आपने बहुत सारे प्रिडिक्शन पढ़े होंगे, सुने होंगे या देखे भी होंगे, उन प्रिडिक्शन में जो अच्छी बातें उन्हें आप ग्रहण करें, नेगेटिव बातों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि होता यूँ है कि हम जैसा दिमाग में सोचते हैं वही चीज़ हमारे साथ घटित हो जाती है। इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सकारात्मकता हमारे आसपास के माहौल को सकारात्मक करती है और ओवरऑल जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है वो हम पर ही आधारित होती है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं और जो अनदेखी दुनिया है जिसे नहीं देख पाते हैं, वो भी आपके साथ रहेगी। इस बात को अच्छे से आप समझ लें और सोच लें। ईश्वर का नाम आपको लेना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आपके जो भी इष्ट देवता उनका नाम आप कंटिन्यू लेते रहें, क्योंकि वही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। यहाँ सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अपने माता पिता की इज्जत करें। 2000 आने वाला जो साल है बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में राय लिखें। जय श्री महा।